इजरायली सुरक्षा बलों का हमास पर देखिए किस तरीके से अटैक जो है वो जारी है, और इजरायली फोर्स की 215वीं ब्रिगेड का हमास पर बड़ा ऑपरेशन जो है वो देखने को मिला है। आप समझिए आसमान तक इजरायली फोर्स किस तरीके से अटैक कर रही है, हमास के हथियार डिपो को इजरायल ने तबाह कैसे किया है, जरा ये समझिए। ये हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि इजरायल किस तरीके से अब देखिए निपट रहा है अपने दुश्मनों से। इजरायली सुरक्षा बलों का हमास पर ताबड़तोड़ अटैक देखने को मिल रहा है। 215वीं ब्रिगेड का हमास पर यह बहुत बड़ा ऑपरेशन दरअसल बताया जा रहा है। किस तरीके से हमास के खिलाफ यह ऑपरेशन किया गया है, जमीन से लेकर आसमान तक इजरायली फोर्स ने यह ऑपरेशन चला रखा है। एक तरफ ग्राउंड ऑपरेशन तो चल ही रहा है, इजरायल की सेना भीतर तक पहुंच चुकी है, लेकिन एयर स्ट्राइक भी किस तरीके से किया जा रहा है, जरा तबाही के इस मंजर को देखिए। किस तरीके से 215वीं ब्रिगेड का हमास पर यह ऑपरेशन देखने को मिला है और उसके बाद तबाही की ये तस्वीरें जो सामने आई हैं वो हम दिखा रहे हैं। इस वक्त इसराइल इस मोड में है कि हमास के तमाम ठिकानों को, आतंकियों को जो है नस्तनाबूद कर देगा, और यही वजह है कि नेतन्याहू इस तरह का बयान भी दे रहे हैं कि अब हमें गाजा से डरने की जरूरत नहीं है, यानी बहुत करीब है इसराइल हमास के तमाम आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए। और यही कह सकते हैं तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो बयां कर रही हैं कि काफी नुकसान गाजा पट्टी में इस वक्त देखने को मिला है। हमास के एक एक ठिकाने को इजराइल जो है वो निशाना बना रहा है। और ये 9 तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है, देखिए किस तरीके से अटैक इजराइल की तरफ से किए गए हैं। जो हम बातें कह रहे हैं कि न सिर्फ ग्राउंड ऑपरेशन इजराइल की तरफ से किया जा रहा है, आसमान से भी अटैक किए जा रहे हैं, उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं। और ये वीडियो दरअसल इजराइल की तरफ से ही जारी किए जा रहे हैं। एक तरफ देखिए गाजा में एंट्री इजरायली सेना ने ले ली है, IDF की सेना जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ते जा रही है, इलाकों किस तरीके से खंगालती हुई नजर आ रही है, टैंक्स पहुंच चुके हैं तमाम। और अलग अलग तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि इस वक्त हमास के आतंकियों को किस तरीके से निशाना जो है वो बना रहे हैं IDF के नौजवान। और जाहिर सी बात है अब जब ग्राउंड ऑपरेशन भी चल रहा है और हवाई हमले भी हो रहे हैं तो हमास के आतंकी जो है जो छिपे हुए हैं वो भी अटैक कर रहे हैं, क्योंकि इसी इसराइल की सेना पर अब हमास के आतंकी अटैक करते हुए देखे जा रहे हैं। वहीं बैटलफील्ड में अब तक का अपडेट क्या है आपको बताते हैं 10 फटाफट बड़ी अपडेट आपके सामने। पहली अपडेट, गाजा में मरने वालों का आंकड़ा जो है 11,000 के पार पहुंचा है। दूसरी अपडेट, गाजा पट्टी में 28,000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। तीसरी अपडेट, बंधकों की रिहाई के बाद ही सीज फायर होगा, ये इसराइल की तरफ से साफ कर दिया गया है। चौथी अपडेट, गाजा के नागरिकों को मदद करते रहेंगे इसराइल ने कहा है। अल शिफा अस्पताल में 300 लीटर फ्यूल सप्लाई किया जा रहा है, ये IDF की तरफ से जानकारी दी गई है। हमास के कहने पर अस्पताल ने मदद नहीं ली, ये भी इसराइल क्लियर कर रहा है। गाजा से 70 रूसी नागरिक जो है वो निकाले गए हैं, ये रूस की तरफ से बयान जारी किया गया है। गाजा के अस्पतालों में अब तक 137 हवाई हमले जो है वो किए गए हैं। वॉर में UN के 101 वर्कर जो है वो मारे गए हैं। दुनिया भर में युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जारी है। ये 10 बड़े अपडेट जो इस वक्त इसराइल हमास युद्ध से जुड़े हुए मिल रहे हैं।